शिवनी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत हिनोतिया में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनको पिछले लगभग 10 सालों से पीने का पानी नल जल योजना से नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच सचिव और जनपद पीएचई विभाग को दी गई। अब इस जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आधे गाँव को पानी सप्लाई किया जाता है और बंद कर दिया जाता है। वहीं कुछ ग्रामीणों सरपंच सचिव के ऊपर शौचालय बनाने के लिए पैसे लिए जाने के आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों के 2018 में बने शौचालय भी रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। बनी है ये, मैं अपन ऊपर तो भी कहे, सचिव को कहे कि सचिव साहब हमको लेटरिंग सबकी पैसा मिल रहा है, 12,000-10,000 जो मिल रहा है, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? बोले मिलेगा साहु जी, मिलेगा साहु जी, और फिर नहीं मिल रहा है। कई एक के फोटो काफी ले गए, हमारे फोटो तो नहीं खींचे, उन्होंने कहा कटोर लगा, भाई तुम कटोर कहाँ दे रहे बता दो। तो कहने लगे पंचायत दो बेरा पंचायत का कटोर नहीं है, तो भाई हम मत मिले कटोर पर हमके मतलब पैसा मिले 12,000 रुपये। तो कहने लगे बोले नहीं मिलेगा, तो काहे नहीं मिले भैया? तो हम जाके जन सुनवाई में लगाए, जन सुनवाई बार साहब ने कहा था, बोले तुम्हारे लिए लेटरिन बनाए तो हमारे लिए बनाए, हम कागज एक वापसी आ गए। अच्छा, तो लैटरिन जो बनी है आपकी पंचायत में, पंचायत ने बनवाई है, फिर आपको आपने स्वयं बनवाया उसको? पंचायत ने आगे देख के गड्ढा करवाई है और मतलब बनवाई है, इसके बाद में मतलब उसने जब हपाल अच्छी सी बनाने लगे तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, भाई ऐसी की थूर बनाएंगे, जब खतरा ही जड़ो है तो वहाँ गंदगी के लगी, सेंक टोक बार बना, फलान बार बना, अब देखो ना इतना पत्थर है कहाँ सेंक टोक बन जाएगा। और उसमें ग्राम पंचायत जो लैटरिन के लिए पैसे दे रही थी 12,000, वो आपको दी? कुछ नहीं, 12 रुपये नहीं मिली हमने, बल्कि सचिव के कहे भी कि 2,000 रुपये ले लियो, हुई काट लियो, पर मैं 10,000 रुपये दे दियो। तो बोले कहने लगे मैं ऐसा काम नहीं करूँ, और कैसे 1,000 रुपये खा कोई सपोर्ट। कन्हैयालाल सनोड़िया बोल रहा था ग्राम हनोतिया से, हमारे मोहल्ला में 11 साल से पानी की व्यवस्था ही नहीं करी जा रही, सरपंच सचिव से बोल थक गए हम लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष से बात कर लिए, सरपंच से बात कर लिए, विधायक जी से बात कर लिए, भाई कोई समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। अब किससे बात करें हम, कहाँ बात करें? फिर क्या सिम कंप्लेंट कर दिए, सब कुछ सब कंप्लेंट कर दिए, कहाँ बात करें बताओ? भी नहीं आई, वो भी नहीं हुआ है, यहाँ पे नल डलवा दिए हमने, पीएचई विभाग से सरपंच सचिव ने सब डलवा दिए, उसका कार्य पूरा हुआ नहीं है, पंच लोग नल काट देते हैं, इसकी समस्या का समाधान बिल्कुल जल्द से जल्द करें। और कोई समस्या इसके अलावा? समस्या नल की है, दिक्कत बस। वैसे क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे राशन कार्ड नहीं बना, इन लोगों ने बोले कि बना दूंगा, 2,000 रुपये मेरे से ले भी लिए, फिर जब नहीं बनाए उन्होंने वो पैसे मेरे को वापस करे, वो भी एक साल बाद पैसा वापस कर दिए, बोले नहीं बन रहा तेरा कार्ड, तेरा नाम नहीं है बोले सूची में, तेरा कुछ नहीं बना। किसने लिया आपसे 2,000 रुपये? मैं सरपंच के लड़के सरपंच को ही दिया था। सरपंच का नाम घसीटा। और क्या समस्या है आपकी? मेरी बहुत समय से लेटरिंग बनाए उन लोगों ने, अभी तक चालू नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। मैंने 181 में कंप्लेंट किया, सचिव सरपंच के हाथ पैर जोड़ा कि मेरा राशन कार्ड बना दो, वो राशन कार्ड बनाए उसमें एक पर्ची भी नहीं बनाया उन्होंने, एक लीटर मट्टी तेल भी नहीं मिलता मेरे को। और गांव में पानी की समस्या क्या? पानी की समस्या है, ये मोहल्ला में पानी नहीं मिलता, 10-11 साल हो गए, इन लोगों ने सचिव सरपंच को बोले, वो कुछ चिंतित नहीं बोले, हाँ आ जाएगा पानी, ऐसा कह देते हैं और चले जाते हैं। उसकी समस्या के हल के लिए कुछ बोले उन्होंने? कुछ नहीं बोले, उन लोग सुनते नहीं, गरीब लोगों की अधिक सुनते नहीं वो लोग। आपकी समस्या? हमारी समस्या क्या है, हमारी गरीबी रेखा का कारण नहीं है, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, घर नहीं है, कुछ दूर नहीं है, सुनाई कुछ नहीं कर रहा है, पानी की भी फजीता है, हमारे मोहल्ला भर में पानी नहीं जावे, और कुआं से पानी ला रहा है, कम से कम गरीबी रेखा में कारण रहे जो रहे, किसानी रहती, घर भी नहीं है 70 के, और आदमी ना होने का रहे, अब काम में नहीं जाओ, जब नहीं जाओ तो दबाव ना है, नाम कट जाके नाम कट जाए, क्या कर रहे हम गरीब आदमी। कौन कहता है नाम कट जाएगा आपका? अब काम नहीं जाते हैं तो कोई भी सबसे सरपंच कहते हैं की राशन कार्ड नहीं मिलन के, ऐसे सरपंच बोलते हैं। हाँ, आपकी समस्या क्या है? क्या है? पानी की बहुत समस्या है और मकान की भी समस्या है, जो नाला से हमारा पानी घर में समा रिया है वो हो रिया है, और अभी इधर से ले गए तो उधर बीच में सटक काट दिए, तो उसके लिए भी तो कुछ है बुखार और क्या है। जो सटर कहाँ से और किसने काटा? अब जिन 5-6 जन ने काटे का, किसने काटे यहाँ से ले गए तो। और आपको कब से पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए? कब से? 10-11 साल होगा पानी हमारे उधर पानी नहीं है, वो उधर 1 मील दूरी से पानी लेके आ रहा है। तो इसके लिए जब आपने सरपंचायत से अपनी संपर्क की हमको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, तो क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते रहे जो ही तो अधूरी लगाए है, जा तो ठीक है, न जा तो ठीक है, अब जो ही तो बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं कर रहा है, सचिव कर रहे सरपंच कर रहे। तो आप लोगों की क्या समस्या है? पानी की समस्या।
आपको कब से पानी नहीं मिल रहा है और कहाँ 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 आप लोगों ने शिकायत की है? जो पूरा जो पूरा हाँ। पंचायत में भी करी तो सचू सरपंच कोई सुनने वाला नहीं। क्या बोलते हो वो कहते कि आंसू नहीं आएगा, चार महीना का आएगा, पानी नहीं आएगा, कहते भटक रहा है सब लोग। और पानी की तुम्हारा मारी हमारे। कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है आप लोगों को पीने का? अरे पीने के लिए आदमी को इधर जो नल भगते है वो नल भगते हैं, पानी के जिसके नल में जाते हुए ठोकर मारता है उनका। अभी आपके लिए मतलब पानी नहीं मिल रहा तो कहाँ से लेके आ रहे हैं आप पानी? जहाँ पानी के नल भी नहीं जा रहा, पानी ला रहा है, पी लग पी रहे हैं। अरे कुआं से ला रहा है, डायरेक्ट बोलो ना, कुएं से ला रहा है पानी। और अभी आपने कहाँ कहाँ शिकायत करी इस चीज के लिए? और जनपद और सचिव सरपंच पास करे, कलेक्टर पास शिकायत की आपने? उधर नहीं गए, उधर नहीं गए। 181 में लगाए? हाँ लगाए ना। वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? कोई बिल्कुल नहीं मिली हमारी जनता की, सुनी नहीं ना कोई शिकायत कम है। पंचायत के सरपंच सचिव क्या बोलते हैं इस मैटर पे? वे तो कुछ समझते नहीं कि गरीब आदमी कहीं होना जाओ चाहे है ना जाओ, जो ही नाटक है उनके बेकार ना आता है, उनकी अटकी रह जब आता अपने पास वैसे कोई की ढूंढ के देख सकते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।